the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सातवीं चरण और अंतिम चरण के लिए जो चुनाव प्रचार करने की जो अवधि है वो खत्म हो गई है और अब जो है आज आराम करना है और कल जो है मतदान के बाद जलपान करना है, यानी कि अब पूरा का पूरा जो है खत्म हो चुका है। गाजीपुर का माहौल क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी मैदान में है वो राय जी हैं, जो एक शिक्षक हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है और माना यह जा रहा है कि पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच ही जबरदस्त तरीके की लड़ाई है और अभी के सिनेरियोस के अनुसार देखा जाए तो अफजाल अंसारी का पलड़ा भारी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो मुख्तार अंसारी हैं उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने बड़े अब्बा के लिए गजब पसीना बहाया है। अब तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से उमर अंसारी जो हैं इस चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते नजर आए हैं और अफजाल अंसारी को जिताने के लिए पूरा का पूरा जी जान लगाते नजर आए हैं। मुख्तार अंसारी वाला जोश जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है उमर अंसारी में, और उमर अंसारी महिलाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और हर किसी का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं और अपने अब्बा को जिताने के लिए बड़े अब्बा को जिताने के लिए कड़ी मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके बड़े पापा जो शिबकतुल्लाह अंसारी हैं वो भी चुनावी जंग में कूदे थे और अफजाल अंसारी को जिताने के लिए वो भी इस चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत किए। तो वहीं उनके भतीजे जो मनु अंसारी हैं वो भी लगातार जो है मेहनत करते नजर आते हैं और उमर अंसारी जो हैं वो खास तौर पर माना जा रहा था कि नाराजगी है लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में कूदे और अपने अफजाल अंसारी को जिताने के लिए वो कड़ी संघर्ष किए। तमाम तस्वीरें आई अखिलेश यादव के साथ, खास करके जो बॉन्डिंग थी वो नजर आई। जब गाजीपुर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे तो वहां पर उमर अंसारी के साथ खेसारी लाल जो अखिलेश यादव हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो जबरदस्त तरीके की देखने को मिली है। हालांकि अब नतीजा 4 तारीख को आना है, अभी तो पलड़ा भारी अफजाल अंसारी का लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिस तरीके से उमर अंसारी ने पसीना बहाया है उस पर अपनी राय बताइए।